हाँ हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है देहरादून से। आज नित्या को ना 5th मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो सेलिब्रेट करने के लिए हमने डेकोरेशन कर दिया। हमने नहीं, बस पूजा ने कर रखा है। मौसी आज क्या लाई हो? अभी चमचम चमचम लाए आज मौसी चमचम। तो वैसे ना हम और टाइम ऊपर भी करते थे, फिर हमें लगा कि यार नित्या देख थोड़ा रही है और फोटो शूट करने के लिए भी नीचे पे अच्छा होता ना, तो आज हमने ऊपर पे नहीं कर रखा है, सीधे नीचे नीचे पे थोड़े बहुत बलून रखे हैं। तो 5 लिखने के लिए पूजा लाई है, जेम्स लाई है, ये कुछ इसके अंदर ये खिलौने खिलौने है भाई। है पूजा दी खेलेगी नहीं खिलौने, नित्या की छोटी है। पूजा दी के लिए ठीक है ना। क्या मिला क्या मिला बचपन में हम करते थे, क्या मिला क्या मिला भाई? मोटो पतलो पूजा को ही मिलता है सभी सेम। चलो नित्या के लिए रख देंगे, जब बड़ी होगी तब आएगा। तब तक तो खेल लूंगी इसे। अभी देखो दोनों को यार हद है, लड़ो मत लड़ो मत। नित्या यहाँ पे सोएगी और यहाँ पे 5 लिखेंगे है ना। बताओ बताओ क्या हुआ? नित्या की पापा से भी पूछ लो यार कोई। अरे क्या हुआ ना, देखो बीच में बना था मैंने साइड। और आज एक बहुत ही अच्छी बात हुई है, हमारी नित्या को 5 मंथ कंप्लीट हो रखे हैं और साथ ही आज नित्या ने पहली बार पापा भी बोला। नहीं मम्मा बोला ना बाबा, मम्मा मामा बोला मामा। सब अपना अपना है ना। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, मम्मा बोला होगा, पापा बोला होगा, मामा बोला होगा या मौसी? मामा बोला उसने, मामा को सबसे अच्छा मानती है। ठीक है देखना, इधर बुलाऊंगा भी आ जाएगी। आ इग्नोर कर दिए बेटा। तो 5 भी हम लोगों ने लिख दिया है, बस नित्या को तैयार करना है। तो नित्या की मम्मी नित्या को लेकर आ गए हैं, नित्या हो गई है तैयार। हेलो पापा छिंग, का हुआ तैयार हो गए है ना? आज तो पापा बोला है ना, हंसी करते बाबा, हंसी 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 हंसी। अब तो ऐसा सीख गई है ना। तो अभी जो है पूजा ने नित्या को आने को बोला था, पूजू के आने के लिए अब मैं बुलाता हूँ। आजा आजा बच्ची, इधर उसका ध्यान मेरे पे, इधर इधर आजा। हाँ ये पप्पा के उधर आ जाती है, पप्पा के उधर आ जाती है। अब आप लो तो नित्या को 5 मंथ कंप्लीट होने की खुशी में छोटा सा जो है देवा पूजो ने डेकोरेट करा हुआ है, तो नित्या को हम यहाँ पे सुलाते हैं। हेलो ये खाने हैं, हाँची हाँची गड्डे बाबा जी, हाँची हाँची। तो आज नित्या को गुब्बारे के साथ खेलना भी सिखाते, रखो गुब्बारे, खेलो खेलो खेलो, खेली खेली खेली। ओए डर रहा है, क्या आज खेल रही है ना? हाँ ज्यादा इसलिए खेल रही है ना क्योंकि आज नाना जी गिफ्ट लेकर आए। देखो नित्या के लिए गाड़ी आई है जो कि नित्या के नाना जी लेके आए हैं, ये अभी हमने जो है खोला नहीं है। मैंने दिखा देते हैं क्या लाए, क्या लाए हो? थार। नित्या के लिए पूजा थार लेके आए हैं। हो गाड़ी, नाना जी गाड़ी लाए हैं, गाड़ी है ना, कुछ हो रही है। सीट बेल्ट बांधना है पापा सिंह ने तो, है ना, सीट बेल्ट बांधेगा ना पापा जी। क्यों गंदन फेंक के तूने ऐसे? कोई भाग गया जो कुछ में पापा। क्या हुआ, कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, मजे आ रहे हैं मजे? ओके जी, तो फिलहाल अभी 10:06 हो रहे हैं और 10:15 की हमारी मूवी है।
सवा दस की हमारी मूवी है कल की, और ये मूवी के साथ साथ ना आज मैं कल की नहीं है, आज की है मूवी। कल की मूवी का नाम कल की है, तो हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। और आज मैं ना पहली बार अपनी लाइफ में जो है थिएटर जाने वाला हूँ मूवी देखने के लिए, तो एक बड़े तालिया तालिया। शुभम भी आया है साथ में, इसको दिखाएंगे अभी अभी फिलहाल हम ड्राइव करते हैं और जाना भी दूर है थोड़ा सा, है ना। तो चलिए आप लोगों को थिएटर में मिलते हैं और बताते हैं आप लोगों को मेरा फर्स्ट डे थिएटर का एक्सपीरियंस कि कैसा रहता है। और अभी कैमरामैन है हमारे खुशियों जिसे आपने पिछले दो ब्लॉगों में देखा होगा, और बताना ब्लॉग कैसा लगा, कैसा लगा पिछला वाला, पिछला वाला। तो चलिए जी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, बाकी हम लोग पहुंच ही गए हैं। जेशन छेडूलाल कैसे हो तुम? छेडूलाल वो आपने इसे एक ब्लॉग में देखा होगा। हाँ ये छेडूलाल है हमारा एक नहीं दो ब्लॉग में देखा होगा। तो भैया ये पहली वो चलत सीढ़ियां हैं जो चल नहीं रही हैं, वही तो ये चल नहीं रही है। और ये भी मेरी लाइफ का पहला ऐसी सीढ़ियां है जो चलत सीढ़ी होके भी नहीं चल रही है। भाई ये क्या है, जट थ्री, जट एंड जूलियट थ्री, वाह टिकट। हम कहीं भी जाते हैं ना खुशू सबसे पहले यहीं घुसता है, तू जा भाई मैं नहीं आ रहा, तुझे जरूरत है ना तू जा। ओ भाई चश्मा भी मिल रहा है, घर भी ले जा सकते हैं, तो ऐसा चश्मा क्यों ला रहा है? दोनों में पहनूंगा, कब्बू में ही हूँ भाई चल पकड़ ले अभी। तो आज चश्मा पहन के हम मूवी देखेंगे। चश्मा लगा लिया है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा हूँ, कुछ तो ऐसे ही लगेगा मुझे पता है। देख लो तो। ओ भाई, अरे जैसन, ये सीढ़ियों से जाना है, ये अंधेरी गुफा है, अंधेरी गुफा मुझे लग रही है नहीं है क्योंकि काला चश्मा पहना हुआ है ना। तू कब पहनेगा? ये अपनी है पूरी सीट। इधर कहाँ बैठना है जैसन? अरे भाई अच्छा तो लग रहा है तू, अच्छे लोगों को देख के अच्छा। चलना मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तेरी बात भी नहीं कर रहा तो तू अपनी बात कर रहा था भाई, तो थोड़ा लेट समझ आता है। रुक सुन, सीट अच्छी है ना? सीट तो अच्छी है, काश ये सीट भी घर के ले देते, मैं घर ले जाता। जैसन हंसता है, तो तेरे को तो वॉशरूम में भी यही सीट लगेगी, पूरा दिन तो उधर ही रहता है। ओह नाइस क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, ये लड़का बहुत सही है। भाई सामने गंगोत्री धाम के दर्शन हो रहे थे, वो हटा दिया इन्होंने, केदारनाथ 14 किलोमीटर, गौरीकुंड, आहा मतलब मूवी दिखाने से पहले चारों धाम हमें दिखाए जा रहे हैं, वाह तारीफ ज्यादा होगी शायद लग रहा है। अच्छा अनहर पट गई, चालू हो गया, चालू हो गया, ओए चुप हो जा, मूवी देखने आए, शोर मत कर, ओए काला चश्मा होता है। पांडवों का अंत, आचार्य द्रोण के पुत्र होकर उनके नाम पर कलंक हो तो। बच्चे बच्चे रुको रुको रुको, तुम्हारे बिल्डर से इनकी गाड़ियां बेटर है। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और अभी इंटरवल चल रहा है, और मूवी इतनी बढ़िया है ना, मतलब मजा ही आ रहा है। तो फिलहाल अभी हम अंदर आ चुके हैं, मगर मूवी को एंजॉय सिर्फ कुसु और मैंने किया है। ये छेडूलाल सोया हुआ था और थोड़ा बहुत ये भी सोया हुआ था, बट खुशु और मैंने भाई पूरी मूवी देखी है, मतलब अभी तक की, आगे भी देखेंगे। छेडूलाल तू सो जा ठीक है। कैसी लगी भी तेरी मूवी? बहुत बढ़िया भाई, मजेदार भाई मस्त। तो भैया अभी कितने बज रहा है खुशु? 1:42। तो अभी बज रहा है 1:42 और मूवी खत्म हो चुकी है, और बहुत ही शानदार मूवी है, और शायद हो सकता है यहाँ से आगे सेकेंड पार्ट आए बहुत जल्द या पता नहीं जब भी। और जो हम भाग भाग के पहुंचे ना गाड़ी तक, बड़ा मजा आया, बारिश के मजा आया, भाग भाग के आए हैं। और ये ना भाई इसने मतलब आधी से कम मूवी देखी है, पूरा सोया था ये भाई। क्या होता है मूवी नहीं देखी, अली लास्ट का पार्ट थोड़ा बहुत देखा, लास्ट वाला सेकंड पार्ट मतलब इंटरवल के बाद
उससे पहले सोया हुआ था भाई, और थोड़ा बहुत ये भी सोया था। अब चलते हैं समय पर घर की ओर।